السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زدني علما رب زدني فهما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين بندے آجے بندے آدے کم گا رب کول جنت ضرور پاوے گا بندے آجے بندے آدھے کم آوے گا رب کول جنت ضرور پاوے گا پہلا حق خدمت کر کے نہ کدی تھکنا ماپے جے نے راضی رب راضی پاوے گا رب کول جنت ضرور پاوے گا بھکھے آدھے اتے جو احسان کر دا یتیماں تے غریباں دا جو پیٹ بھر دا محشر نو نبی سونا گل لاوے گا رب کول جنت ضرور پاوے گا عشر زکات کڈ حق ہے غریب دا تینوں مل جانا جو تیرے ہے نصیب دا جہنم دی اگ کولوں بچ جاوے گا رب کولوں جنت ضرور پاوے گا
अच्छे अखलाक नाल जिंदगी गुजार नबी दे सहाबा वांग होवे किरदार अच्छे अखलाक नाल जिंदगी गुजार नबी दे सहाबा वांग होवे किरदार फिर दुनिया ए रोवेगी फिर दुनिया ए रोवेगी जे छड़ जावेगा रब कोलो जन्नत जरूर पावेगा बंदे आजे बंदे आंदे कम आवेगा रब कोलो जन्नत जरूर पावेगा हर किस्म दी हमदो सना किबरियाई बड़ाई शहनशाही बादशाही अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी जात वास्ते खास दुरुदो सलाम इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी जात वास्ते खास मैं जड़ी आयत करीमा तुसा अहबाब के सामने पेश की इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने जन्नत वाले का तज़किरा फरमाया हर बंदे की यह तड़प है कि मैं नेक अमाल इस वास्ते करना कि मैनू अल्लाह की जन्नत मिल जाए हर बंदा कोई नेकी का काम करता है उन्होंने पूछो यार ये काम तू नेकी का क्यों करना वो कहेगा मैं अल्लाह नू राजी करने वास्ते करना और इस वास्ते करना कि मैनू जन्नत मिल जाए किसी नमाजी नू पूछो यार नमाज क्यों पढ़ना है किस वास्ते पढ़ना है वो कहेगा कि मैं नमाज अल्लाह वास्ते पढ़ना और इस वास्ते पढ़ना कि मैनू जन्नत मिल जाए कभी किसी ने यह सोचा जहन के अंदर कि जन्नत कैसी है और जन्नत किवें मिलेगी मैं इंशाल्लाह चंद मिनटों के अंदर चंद गुजारशात पेश करांगा कि जन्नत किन्ना लोगों को मिलेगी किन्ना अमलों की वजह करके मिलेगी और जन्नत है किवें दी हर बंदे का यह दिल करता मैं जन्नत के अंदर जावां जन्नत के अंदर जाने वास्ते कुछ ऐसे अमल ने जिहड़े करांगे तो अल्लाह पाक सानू जन्नत का दाखला अता कर देगा मैं इंशाल्लाह वो चंद मिनटों के अंदर कोई दो चार अमल ऐसे दसांगा कि जिहदी वजह करके अल्लाह पाक की जन्नत मिल जाती तो आइए अल्लाह पाक के कुरान ने भी जन्नत वाले का तज़किरा फरमाया तवज्जो फरमाना फरमाया वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين अल्लाह पाक का कुरान इस बाब का ऐलान फरमा रहे हैं ऐ जन्नत वाले का तज़किरा फरमाया जन्नत किन्ना लोगों को मिलेगी फरमाया वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा ओ लोग जिन्हों जन्नत मिल जाएगी अल्लाह पाक दे कोलों डरन वाले बंदे जिन्हों अल्लाह पाक अपनी जन्नत का मेहमान बनाएगा वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा ऐसे गिरोह दर गिरोह जन्नत वाल ग्रुप रवाना कर दिते जाएंगे हत्ता इदा जाऊहा वफुतिहत अबवाबुहा उन्हां वास्ते दरवाजे खोल दिते जाएंगे वफुतिहत अबवाबुहा वकाल लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलुहा खालिदी
कल्ले दरवाजे नहीं खोल दिते जाएंगे, बल्कि आसमान दे नूरी मलाइका अल्लाह दे पाक बाज फरिश्ते इन्हां नूं सलामती दे नाल जन्नत दे अंदर दाखिल कर देंगे और सलामती दी दुआ दे करके जन्नत दे अंदर शामिल कर देंगे और इस जन्नत दे अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे और इस जन्नत दे अंदर हमेशा जिंदगी रहने वाली मिल जाएगी। ये अल्लाह पाक दा उन्हां लोगों वास्ते आसान है जिहड़े लोग अल्लाह पाक दे कोलों डर करके जिंदगी गुजार देने, अल्लाह पाक दे कोलों डर करके सारी जिंदगी बसर कर देंदे ने। और जन्नत कैसी, किन्ना लोगों वास्ते अल्लाह पाक ने जन्नत तैयार की थी है। ऐ मोमना वास्ते अल्लाह पाक ने जन्नत नू तैयार किया वे, ऐ ईमान वाले वास्ते अल्लाह पाक ने जन्नत नू तैयार किया वे। कीती रब प्यारे आली जन्नत तैयार, आ जा जा कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। औरतों वास्ते भी आवाज़ जरूरी है जी, बिल्कुल। कीती रब प्यारे आली जन्नत तैयार, आ जा जा कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। शराब तेरे पीन नू ते शायद तेरे खान ले, शराब तेरे पीन नू ते शायद तेरे खान ले। सोने दे पलंग तेरे गल, सोने दे पलंग तेरे आराम फरमान ले। रेशमी लिबास तेरे गल विच पान ले, रेशमी लिबास तेरे गल विच पान ले। हार सोने चांदी दे ने तेरे लिए तैयार, आ जा जा कर ले तू अल्लाह नाल प्यार। फरमाया वसी कल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा व क़ाला लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। अल्लाह पाक दी जन्नतां दे मेहमान बनन वाले, आइए हदीस पाक सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु हदीस रावी ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो बंदियां नूं अल्लाह पाक जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। सैयदना अबू हुरैरा बयान करदे ने, आप फरमांदे ने एक बंदा होवे जिहड़ा अल्लाह पाक दे कोलों डर करके जिंदगी गुजारदा वे, अपनी जिंदगी सारी अल्लाह पाक दे कोलों डर करके गुजार देंदा वे। जदों अल्लाह पाक दा हुक्म आ जांदा है अपनी बात नूं पिछे रख के अल्लाह पाक दे हुक्म नूं मनन वाला बंदा, ऐसा बंदा जिहड़ा गुनाह दे वक्त अल्लाह पाक दे कोलों डर जांदा है, ऐ नाप तोलां दे अंदर कमियां करन लग गया अल्लाह पाक दे कोलों डर जांदा है, ऐ जनाब खरीदो फरोखत दे अंदर ऐ कमी पेशी करन लगे हाँ अल्लाह पाक दे कोलों डर जांदा है, ऐसे बंदे वास्ते अल्लाह पाक ने जन्नत तैयार कीती है। जिहड़ा बंदा अल्लाह पाक दे हुक्म नूं मन जांदा है और इंज करके अजान आ जाए, अल्लाह पाक दा बुलावा आ जाए, अपना कारोबार छड़ करके ए दीन वाला जांदा, नमाज वाला जांदा, अल्लाह पाक दा हुक्म मन करके ए मस्जिद वाला जांदा, ऐसे बंदे वास्ते जिहड़ा बंदा डर करके जिंदगी गुजारदा अल्लाह पाक ने उस बंदे वास्ते जन्नत तैयार कीती है। और दूसरा बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करदा है, जदों गल करदा अच्छे अखलाक दे नाल गल करदा है, जदों बोलदा अच्छा बोलदा, जदों गल करदा गुफ्तगू करदा अच्छी दे सोहनी गल करदा है, इंज नहीं करदा किसे दा दिल नहीं दुखांदा, किसे नूं परेशान नहीं करदा, इंज नहीं कि उहदे तों रिश्तेदार भी तंग ने, इंज नहीं कि उहदे कोलों उहदे गवांढी भी तंग ने, बल्कि इंज करके जिंदगी गुजारदा। हर बंदा चाहुंदा यार मैं इहदे नाल गल कर लवां, हर बंदा चाहुंदा यार मेरे नाल थोड़ी जी बंदा गुफ्तगू कर लवे, इंज करके अच्छे अखलाक का मालिक बन जाता है। और जुबान के मुतलक नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सलाम ने फरमाया ऐ मेरे सियाबा मैनू कोई बंदा दो चीज़ों की जमानत दे देवे, एक अपनी जुबान की जमानत दे देवे और दूसरा बंदा अपनी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे देवे, मैं उस बंदे नू जन्नत की जमानत देना वा, मैं उस बंदे नू जन्नत दी खुशखबरियां देना वा। पता है चलिया नबी पाक अलैहिस्सलाम तो सलाम दे
फरमान तो पता चलिया है जिहड़ा बंदा अपनी जुबान दा सही इस्तेमाल करदा है और अल्लाह पाक दे कोलों डर करके जिंदगी गुजारदा वे। ऐ दोनों बंदे जदों फौत हो जाणगे, इस दुनिया तो चले जाणगे, फौत हो जाणगे, इस तो बाद अल्लाह पाक इन्हां बंदियां नूं अपनी जन्नत दा मेहमान बना लैणगे। और दूसरे नंबर ते नबी पाक अली सलाम तो सलाम दी हदीस मुबारक आप फरमाते ने जड़ा बंदा ए कलमा तौहीद पढ़दा वे, कलमा तौहीद पढ़ करके जिंदगी गुजारदा है, कलमा तौहीद ते जिंदगी गुजारदा है और आखिरी वेले कलमा पढ़ लैंदा और कलमा पढ़दा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। जड़ा बंदा गवाही देंदा है अल्लाह एक है, अल्लाह तो इलावा कोई इलाह कोई नहीं, अल्लाह एक है, अल्लाह तो इलावा कोई मुश्किल कुशा कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई बिगड़ियां बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह तो इलावा कोई औलादा देने वाला कोई नहीं। क्यों जी अल्लाह तो इलावा कोई औलाद दे सकता है? अल्लाह तो इलावा कोई डुबियां तार सकता है? अल्लाह तो इलावा कोई बिगड़े काम सवार सकता है? कौन बिगड़े काम सवार दा है? बिगड़े सारे काम बनांदा अल्लाह ए माड़े आंदी गल बनांदा। बोलो 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 माड़े आंदी गल बनांदा। तू मैनू याद कर मैं तैनू याद करां, तू मैनू याद कर मैं तैनू याद करां, विच कुरान दे खुद फरमांदा अल्लाह ए माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए पत्थरां दे विच कीड़े नूं कोई फिकर नहीं, पत्थरां दे विच कीड़े नूं कोई फिकर नहीं, थां थां ते रिजक पहुंचांदा अल्लाह ए माड़ियां दी गल बनांदा अल्लाह ए। अल्लाह से इस बात की गवाही देने अल्लाह इलाह भी तू है, मुश्किल कुशा भी तू है। जड़ा बंदा कलमा तौहीद पढ़ता है, कलमा तौहीद ते अपनी जिंदगी बसर करता है, आप फरमाते ने आखिरी वेले इस बंदे नूं अगर कलमा नसीब हो गया अल्लाह पाक जन्नत का मेहमान बना देंगे। आओ एक दो वाकियात बयान करा। नबी पाक अली सलाम तो सलाम दी हदीस मुबारक आप फरमाते ने जड़ा बंदा ए सिला रहमी करता है आपस अंदर अपने मुसलमान भाई दे नाल सिला रहमी करदा है, क़यामत दा दिन होएगा एक बंदा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश कीता जाएगा, इहदे नामे अमाल तोले जाणगे, इह बंदे दे गुनाहां वाला पलड़ा ऐ भारी हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इस बंदे दे गुनाह ज्यादा होंगे और नेकियां कम होणगियां। अल्लाह पाक फरमाणगे बंदे दुनिया दे अंदर कोई नेकी याद होए, जी जी अल्लाह मैनूं एक नेकी याद है, ऐ दुनिया दे अंदर मेरे नाल मेरे दोस्त भाई भरा वीर दोस्त इन्हां नूं मैं कर्जा दिया करदा सी, ऐ जदों कर्जा वक्त ते वापस नहीं सी कर सकदे, ऐ वक्त ते कर्जा वापस नहीं सी कर सकदे, मैं इन्हां नूं मोहलत दिया करदा सी, मैं इन्हां नूं जनाब ऐ मोहलत ते वक्त दिया करदा सी, चल कोई गल नहीं यार बाद दे अंदर अदा कर देवी। अल्लाह पाक फरमान गे ऐ तू बंदा हो करके मेरे बंदियां ते रहम करदा रहा है ते मैं रहमान हो के तेरे ते रहम करा। आ फरमाते ने अल्लाह पाक उस बंदे नूं जन्नत दा दाखला दा कर देंगे, ऐसिला रहमी करन वाला बंदा ऐ जन्नत दा हकदार बन जाएगा। और एक वजीफा नबी पाक अली सलाम तो सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा हर फर्जी नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी पढ़दा है, कदों? हर फर्जी नमाज तो बाद आप फरमाते ने हर फर्जी नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी पढ़ता है। नबी पाक सलाम तो सलाम ने फरमाया ए बंदा अगर हर फर्जी नमाज तो बाद ऐतल कुर्सी पढ़ता है इंदे और जन्नत दरमियान सिर्फ
मौत आड़े जदों ही बंदा फौत हो जाएगा अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। आखिरी हदीस जगह दे पीर अली सलाम तो सलाम ने फरमाया, नबी पाक अली सलाम तो सलाम ने फरमाया, एक सैयदुल इस्तिगफार तो आए सैयदुल इस्तिगफार जे नहीं याद ते पढ़ करके सुना देना, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलकतनी वा अना अब्दुका वा अना अला अहदिका वा वादिका मस्ततातु आऊज़ु बिका मिन शर्री मा सनातु अबू लका बि निअमतिका अलैया वा अबू बि ज़म्बी फ़ग़फ़िरली फ़ इन्नहू ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। ए प्यारे रसूल दी प्यारी दुआ दे अंदर ए पांच सत लैणा दी इक दुआ है, नबी पाक अली सलाम तो सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा ए दुआ पढ़ लैंदा है, और सानू ते दुआवां याद ही नहीं ना, असीं ते दुआवां पढ़दे ही नहीं, अगर सानू याद है ते अखबारात पढ़नियां याद है, अगर सानू पढ़ना याद है ते डाइजेस्ट पढ़ने याद ने, सानू मैगजीना पढ़नियां ते याद है, पर असीं पढ़दे नहीं ते दुआवां नहीं पढ़दे, असीं पढ़दे नहीं ते कुरान नहीं पढ़दे। आ सुन फायदे दुआवां दे, नबी पाक अली सलाम तो सलाम ने फरमाया जिहड़ा बंदा असय्यदुल इस्तिगफार सुबह फजर दी नमाज तो बाद पढ़ लैंदा है, अगर मगरब दी नमाज तक बंदा फौत हो जाता है अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत दा दाखला पा कर देंगे, और अगर मगरब तो बाद पढ़ता है तो सुबह फजर तक अगर बंदा फौत हो जाता है अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत दा दाखला अता कर देंगे। यार जन्नत चाहते हो तो इन्हां अमलों से अमल करना शुरू कर दियो, अल्लाह पाक दी जन्नत दे मेहमान बन जाओगे, और जन्नत दे अंदर की होएगा, यार जन्नत दे अंदर तेरी मेहमान नवाजी होएगी, पहली मेहमान नवाजी तेरी मच्छी दे नाल कीती जाएगी, और तेनू अल्लाह जन्नत दे अंदर आ 33 साल जवान बना देगा। ए जन्नत हासिल कर अल्लाह पाक दे कोलों, जन्नत दे अंदर नज़ारे होंगे, और किवें दे नज़ारे होंगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होंगे, उत्थे रहमतां दे चल दे फवारे होंगे, विच जन्नतां दे अजब नज़ारे होंगे, उत्थे रहमतां दे चल दे फवारे होंगे, उत्थे भुज्जी होई मच्छी दी मेहमानी होवेगी, सदा रहन वाली बेजवानी होवेगी, जैके मच्छी दे लजीज ते करारे होंगे, उत्थे रहमतां दे चल दे फवारे होंगे, खांदे वन ते सवन्ने उत्थे फल होंगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होंगे, खांदे वन ते सवन्ने उत्थे फल होंगे, सोने चांदी दियां इट्टां दे महल होंगे, कस्तूरी वाले लगे उत्थे गारे होंगे, उत्थे रहमतां दे चल दे फवारे होंगे, कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा। जड़ा बंदा हुण तक मेरी तकरीर दे अंदर नहीं बोलिया, जे हुण भी ना बोलिया तो मैं समझांगा उंदे ईमान दी कमी है, मैं समझांगा उंदे अंदर ईमान कम है, कैसा समा यारो पुरबहार होवेगा, जदों अल्लाह पाक दा दीदार होवेगा, उत्थे तक दे मोमन बंदे सारे होणगे, उत्थे रहमतां दे चल दे फवारे होणगे। अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया, वसी कल्लज़ीन तकौ रब्बहुम मिनल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जा सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, पहन लो गले में कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अहबाब देख रहे हैं स्टेज के जमात के अज़ीम ख़तीब हज़रत अल्लामा अब्दुल वाहिद यज़दानी साहब,
बिला तकीर उन्होंने किताब सुन वाले है और इस तो मुख्तसर बाद इंशाअल्लाह जवाब दे अजीब वल कारी कुरान खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद इलियास मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला जो चंद लम्हात तो बाद स्टेज की जीनत बनने वाले ने तो तमाम दोस्त अहबाब जो दाएं बाएं सजे खबे सारे साल भी अपना गप्पां मारनियां ने।